लोकसभा चुनाव को लेकर शहर में भी दिनों दिन हलचल तेज हो रही है। इसी की पड़ताल करने के लिए टोटल टीवी की टीम पहुंची है गुड़गांवा लोकसभा के मतदाताओं का मन टटोलने के लिए, जहां पर हम मतदाताओं से जानेंगे उनके सवाल और साथ ये भी जानेंगे कि इस बार वो किन मुद्दों को लेकर वोट देंगे। वहीं गुड़गांवा सीट की बात की जाए तो गुड़गांवा गांव गुरु द्रोणाचार्य का गांव है, जहां पर गुरु द्रोणाचार्य ने कौरवों और पांडवों को शिक्षा दी थी। इसी के साथ इस सीट पर अभी तक हुए 13 चुनावों में से 8 चुनाव पर राव परिवार का कब्जा रहा है। वहीं भारत की राजधानी दिल्ली के नजदीक होते हुए भी गुड़गांव ने काफी तरक्की की है। ऐसे में यहां पर कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने अपने कारखाने भी स्थापित किए हुए हैं। ऐसे में हम अब जानने के लिए गुड़गांव शहर की तरफ चलते हैं और साथ में मतदाताओं का हालचाल जानने के लिए निकलते हैं कि उनके मन में किस तरह के सवाल हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर शहर में दिनों दिन हलचल तेज हो रही है। इस बीच हम पहुंचे हैं गुड़गांव की जिला अदालत में, जहां पर हमारे साथ वकील हैं। हम उनसे जानते हैं कि इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर किस क्या जहन में रखकर वोट आप देंगे, क्या लगता है कि आपको कि इस बार लोकसभा का चुनाव किन मुद्दों पर लड़ा जा रहा है? मुझे लगता है कि जो देश का नेतृत्व कर सके, जो देश का प्रचम विदेश के अंदर फहरा सके, जो हमारी सबसे बड़ी जो विडंबना है अब तक हमने देखी है कि जब जब आतंकवाद के मुद्दे पर पड़ोसी देश ने हम पर हमला किया है तो उसको मुंह तोड़ जवाब कोई दे नहीं पाया। पहली बार हमने देखा कि मोदी जी ने मुंह तोड़ जवाब देने का प्रयास किया। तो हमारे लिए महंगाई आ जाए चाहे विकास की बात हो, वो भी प्राथमिकता है, लेकिन देश की एकता अखंडता, देश का सम्मान स्वाभिमान हर भारतीय का, जिसे बोलते हैं, मस्तक ऊंचा करता है। तो हम चाहते हैं कि पुनः देश इनके हाथों में सुरक्षित रहे और यही सत्ता में वापस आए। देखिए, बिल्कुल देश एक अहम मुद्दा यहाँ पर बताया जा रहा है वकीलों की तरफ से। आप क्या सोचते हैं एक महिला वकील के तौर पर कि इस बार आप क्या जहन में रखकर वोट देंगे? महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जो इस बार की सरकार ने जो भी कदम उठाए हैं वो बहुत सराहनीय हैं और हम चाहते हैं महिलाओं का सम्मान हो, देश की एक राष्ट्रीय एकता के रहते हुए हम उसी को वोट देंगे जो हमारे सम्मान के हक में बोलेगा। हमारे सम्मान के हक में महिलाएं कह रही हैं, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से आप देख रहे हैं, आप तमाम जो पार्टियां हैं, कोई मैं भी चौकीदार के तहत कैंपेन कर रही है या जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार प्रहार कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव किन मुद्दों को पर लड़ा जाना चाहिए या इस तरीके से आपस में वार करना चाहिए? देश को सुरक्षित रखने के लिए मोदी से बढ़िया कोई नहीं है, यही कहना मेरा। आप मानते हैं देश एक अहम मुद्दा है इस चुनाव के अंदर? हाँ जी, बिल्कुल अहम मुद्दा ही है। देश के अलावा और क्या मुद्दे होने चाहिए, आपको क्या लगता है कि विकास के भी मुद्दे होने चाहिए? लेकिन विकास तो हो रहा है, अभी अच्छी तरह विकास हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है विकास में। मैं भी चौकीदार एक कैंपेन जो चल रहा है, आपको क्या लगता है इस कैंपेन को किस तरीके से देखते हैं? तमाम जो भाजपा के नेता हैं वो इसी कैंपेन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, अपने नाम के आगे चौकीदार लिख रहे हैं, तो क्या लगता है कि इस चौकीदार को आप धरातल पर किस तरीके से देखते हैं? देखिए, बेसिकली जो चौकीदार वाला ये जुमला चला था, ये राहुल जी ने शुरुआत की थी चौकीदार चोर बना के, लेकिन अब फिलहाल उन्हीं पर उल्टा पड़ गया है, क्योंकि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने ये साबित कर दिया है कि चौकीदार इट्सेल्फ एक बहुत बड़ी चीज है, जो कि देश की जो चौकीदारी वो कर रहे हैं, वो एक प्रधानमंत्री होने के नाते खुद चौकीदार भी बन गए हैं, इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती। बिसाइड दिस, आपने कभी भी मेरे ख्याल से मोदी जी के टेन्योर से पहले कभी भी कोई सर्जिकल स्ट्राइक का शब्द भी लोगों को नहीं पता होगा क्या था क्या नहीं, इसके बाद हमें बैक टू बैक इन चीज़ों का पता चला है। मोर ओवर, अब जहाँ तक हमारे भूतपूर्व सैनिकों का सवाल है, 40 साल से एक वन रैंक वन पेंशन की जो योजना थी वो लंबित पड़ी हुई थी, बट इनके आते ही वो भी इंप्लीमेंट हुई है और बाकी सारी जो डेवलपमेंट है वो तो साइड बाय साइड चल रही है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आज हमारा फॉरेक्स रिजर्व है वो आप देखिए कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया है, हमारा सेंसेक्स है वो लगातार बढ़ रहा है, बाहर के निवेश है वो आ रहा है, बाहर से जो
बाकी और रक्षा सौदे हैं, सैनिकों के लिए जो भी आवश्यक हथियार हैं उसकी प्रोक्योरमेंट लगातार हो रही है, तो मेरे हिसाब से मोदी जी से बढ़िया ऑप्शन हमारे पास इस टाइम है नहीं कोई। बिल्कुल, ये गुड़गांव के वकील कह रहे हैं कि मोदी ही एक नेता है जो अभी देश का नेतृत्व कर सकते हैं। आप बताइए कि आप क्या सोचते हैं, किस तरीके के मुद्दे इस लोकसभा चुनाव में होने चाहिए और किस को जहन में रखकर आप वोट देंगे इस बार? क्या जहन में रखकर वोट देंगे? मैं तो एक ही बात देख रहा हूँ जी, मेरे से पूछो तो आप, कि ये कहते हैं कि वो चौकीदार है, खुद कहता है वो मैं चौकीदार हूँ। चौकीदार का मतलब होता है रखवाला, और रखवाला भगवान है। जब वो भगवान चौकीदार है सबका, तो ये भी सबका चौकीदार है। इसलिए चौकीदार की कीमत को रखवाला समझ कर समझो कि भाई वो रखवाला है, देश का रखवाली कर रहा है। लेकिन विपक्ष कह रहा है चौकीदार चोर है, तो कहने दे विपक्ष तो पता क्या क्या कहता है, उसकी बात की कोई कीमत ना है। गुड़गांव के वकील साफ तौर से एक यही संदेश दे रहे हैं कि इस बार केवल मोदी ही एक ऐसा चेहरा है जो देश का नेतृत्व कर सकते हैं। यदि कोई दूसरा दल में कोई ऐसा नेता आएगा तो हम उसे जरूर समर्थन देंगे, लेकिन अभी मोदी के सामने कोई ऐसा चेहरा नहीं है। पहुंचे हैं गुड़गांव के बुद्धिजीवी लोगों के पास, जहां पर गुड़गांव लोकसभा चुनाव को लेकर के, देश के चुनाव को लेकर के इनका मूड क्या है, यही जानने के लिए हम पहुंचे हैं। क्या सोच रहे हैं इस बार के चुनाव में किस तरह का मूड है, आप क्या किन मुद्दों को लेकर के इस बार वोट डालेंगे आप? मुद्दा है सुरक्षा का, शिक्षा का, स्वच्छता का। यदि देश की सुरक्षा जो हमारे लिए सर्वप्रिय है उसका ध्यान रखे जो सरकार, और शिक्षित समाज ही एक आगे अग्रसर हो सकता है, विकसित हो सकता है, और सबसे बड़ी बात है स्वच्छता का। ये तीन की मुद्दे हैं। इस समय गुड़गांव पूरे जोश में है, पूरे होश में है वोट देने के लिए। सबकी इच्छा है जो भी सरकार आए वो पब्लिक के लिए, पिछली सरकार ने बहुत अच्छा कार्य किए इसमें कोई शक नहीं है, उनकी कुछ एक योजनाएं काबिले तारीफ हैं, खासकर आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं, और LPG जो इन्होंने स्कीम लागू की है, और जो इन्होंने मुद्रा योजना, इन योजनाओं को जो सरकार आगे बढ़ाए, तो सरकार इस समय पूरा गुड़गांव पूरे होशोवाश में, पूरे जोश में, और पूरे इस समय उत्साहित है। सब चाहते हैं कि अच्छी, सक्षम और एक पारदर्शी सरकार आए। आप बुद्धिजीवी हैं, आप देखते हैं कि जिस तरीके से इस समय प्रचार चल रहा है, भाजपा की बात करें तो मैं भी चौकीदार कार्यक्रम चल रहा है, तो क्या लगता है किस तरीके से आपको लगता है कि मुद्दों को भटकाने की राजनीति इस समय हो रही है, या क्या सोचते हैं आप? वास्तव में जो ये मुद्दे हैं ये लोगों की अटेंशन को डाइवर्ट नहीं करने, लोगों को अटेंटिव करने के लिए होते हैं। ये मुद्दा कोई गलत नहीं है। चौकीदार का अभिप्राय क्या है? जो भी चौकीदारी एक परिभाषा नहीं है, ये एक भाव है। मैं अपने घर के अंदर यदि अपने परिवार की रक्षा करता हूँ और उनका ध्यान रखता हूँ, उनका लालन पालन करता हूँ, तो मैं भी चौकीदार हूँ, तो उसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है। और हमें इस समय उस पर नहीं जाना चाहिए कि कौन सी पार्टी कौन से मुद्दे को ले रही है। हमने देखना यह है कि कौन सी पार्टी का क्या विचार है। उनकी आज जैसे कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया है, अब उसका अध्ययन करना चाहिए। और 5 साल भाजपा की सरकार के सबने लोगों ने उसको विजुअलाइज किया है, उन्होंने जो कार्य किए हैं सबको मालूम है। तो इसलिए हमारा मेन मुद्दा है विकास का, और एक शिक्षित समाज का, और एक महिलाओं के लिए सरकार ने जैसे बहुत अच्छे कदम उठाए हैं, उन मुद्दों को आगे बढ़ाएं, उस स्टैग्नेट ना हो जाए, ये ना कि खाली नारा रह जाए। देखिए बिल्कुल, कहीं ना कहीं लोग अपनी राय बता रहे हैं कि इस बार जो वो वोट गिरेंगे किन मुद्दों के तहत गिरेंगे, और साथ में राहुल गांधी ने भी 72,000 रुपये सालाना गरीब को देने का भी वादा किया है, वो भी जान लेते हैं। किस तरीके की इस समय हर पार्टी जो है वादे कर रही है आप लोगों के लिए कि हम ये देंगे हम वो देंगे। अभी राहुल गांधी ने कहा है कि 72,000 रुपये सालाना गरीबों को दिया जाएगा। किस तरह का आप ये जो कहा है उन्होंने, या जुमला समझते हैं या फिर वाकई धरातल पर ये होगा? ये तो धरातल पर होगा। इसके लिए सबसे अच्छा ये है कि हम सबको खुद को सोचना चाहिए कि सरकार ये सब फैसिलिटीज कैसे देगी और कैसे सबको मिल सकता है। हमारे को खुद को सोचना है कि हम कैसे एक होके चलें, कहीं भी किसी किस्म की कोई ऐसी बात ना हो जिसमें कि सारा कुछ देश बिखर जाए। कोशिश ये होनी चाहिए कि हमें वोट उसको देना है जो देश को संभाल के चले, सबको एकजुट लेके चले, सबके साथ आगे बढ़ के चले, देश आगे तरक्की करे। देखिए बिल्कुल, एक अहम मुद्दा यहाँ पर उठाया है कि रोजगार, एक जिस तरीके से सरकार वादे करती है कि रोजगार को बढ़ावा दिया जाएगा, हालांकि रोजगार खुद पैदा करना चाहिए जिससे कि खैरात में वो ना बट पाए। हमारे साथ यूथ है, यूथ से जानते हैं कि वो क्या सोचते हैं रोजगार के बारे में। आपको क्या लगता है कि किस तरीके के मुद्दे पर अब इस बार आप चुनाव में वोट डालेंगे, और जहन में किस तरह के सवाल हैं आपके?
बीइंग अ यूथ हमारे तो जहन में ये सवाल है कि जो सुरक्षा हमारे देश को मिल रही है आज की तारीख में वो हमारे लिए सबसे जरूरी है। और जो डिजिटलाइजेशन आ रही है यूथ के साथ साथ, एक मैं बिजनेसमैन भी हूँ और लॉजिस्टिक्स का बिजनेसमैन हूँ मैं, और मैं ये देखता हूँ कि पिछले 4-5 साल में जो करप्शन हमारे देश में कम हुई है ये एक सबसे बड़ा मुद्दा है। और कोई भी यूथ नहीं चाहेगा कि वो एक करप्ट देश में रहे और जहाँ जहाँ हर कदम पे उसको पैसा देना पड़े। और मैंने ये देखा है पिछले 4-5 साल में, इट्स नॉट अबाउट कि बीजेपी की सरकार है, इट्स अबाउट कि हमारे को करप्शन से जो है ना मुक्ति धीरे धीरे मिलती जा रही है। और उम्मीद करेंगे कि एक दिन ऐसा आएगा कि हमारा इंडिया जो है 100% करप्ट मुक्त होगा। क्या लगता है कि यूथ के तौर पर देश का नेतृत्व कौन कर सकता है, आपको क्या लगता है? आज की तारीख में तो इसमें कोई दोहराई नहीं है, ऐसा नहीं है कि अगर आज हम यहाँ बात कर रहे हैं कि बीजेपी की बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मोदी जी के अलावा कोई विकल्प हमारे देश में है जो हमारे देश को अच्छे से चला सकता है। देखिए बिल्कुल, भ्रष्टाचार में कमी आई है ये भी एक यूथ का कहना है, लेकिन पारदर्शिता भी एक अहम यहाँ पर मुद्दा बना हुआ है कि पारदर्शिता इस सरकार में आई है। लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर जनता का मन क्या है, यही जानने के लिए टोटल टीवी की टीम गुड़गांव लोकसभा के तमाम जिलों, गांवों में और शहरों में जा रही है। इस बीच हमारे साथ कुछ और लोग हैं, आप बताइए कि किन मुद्दों को लेकर के आप इस बार वोट डालेंगे और किस तरह के सवाल जो हैं आपके पास हैं जो आप सरकार से, आने वाली सरकार से कहना चाहते हैं या जो आपका कैंडिडेट है उसे अपने सवाल बताना चाहते हैं? आज से 5 साल पहले तक सोचना ये था कि हम सोचते ही नहीं थे, सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी कि इस देश, ये देश जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा, इस देश में कुछ हो नहीं सकता। पिछले 5 सालों में पहली बार ये एहसास हुआ कि वाकई में कोई सरकार काम कर रही है। सोचा ये था कि शायद मोदी जी आएंगे तो मोदी जी भी, जैसे पिछले प्रधानमंत्री चले गए मोदी जी भी चले जाएंगे, लेकिन लगता है कि मोदी जी ने ये प्रूफ करा कि हाँ इस देश को बदलना है और हम बदलेंगे। तो ये देश बदल रहा है, और सबसे बड़ी बात जो 56 इंच की छाती पाकिस्तान को ठोककर उन्होंने हमारी फुला दी, उसके आधार पर हम वोट करेंगे और मोदी गवर्नमेंट को ही वोट करेंगे। देखिए बिल्कुल, कई तरह के, हालांकि जितनी भी पार्टियां इस बार चुनावी मैदान में हैं, चाहे क्षेत्रीय पार्टियां हो चाहे फिर नेशनल पार्टी हो, कांग्रेस हो बीजेपी हो, वो कई तरह के वादे भी जो है इस बार जनता से कर रही है कि हम हर तरह के वादे जो है इस बार जनता के पूरे करने के लिए तैयार है। लेकिन क्या जो 2014 में मोदी सरकार ने भी वादे किए थे कि 15 लाख रुपए हर किसी के खाते में आएगा, क्या उससे वो संतुष्ट है कि क्या उनके खातों में आया, या इस बार भी वो चुनाव में अहम मुद्दा बना रहेगा? आपको क्या लगता है कि 2014 में मोदी की काफी लहर थी और काफी वायदे जनता से किए थे और वही वायदे अब और भी सरकारें कर रही हैं, तो इस तरीके के वायदे चुनाव में ही क्यों जनता को दिए जाते हैं कि उससे पहले इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया जाता, क्यों, क्या लगता है? देखिए जी, कई योजनाएं आई हैं गरीबों के लिए, उज्ज्वल जैसे सबको गैस सिलेंडर फ्री मिल रहे हैं, बहुत बड़ी योजना है। इसी तरह टॉयलेट बनाए गए हैं गांव गांव में, मैं भी रोटरी क्लब में है, 600 टॉयलेट तो हमने ही बनाए हैं, मैं बात इसे उनके कहने से बनाए हैं। हमें तो वो सरकार चाहिए जो पाताल जमीन और आसमान में हमारी सुरक्षा कर सके। और आपने जैसा कहा मूड ऑफ इंडिया तो यही है, मूड ऑफ डेवलपिंग इंडिया मींस मोदी। देखिए बिल्कुल, कहीं ना कहीं केंद्र में, हालांकि प्रधानमंत्री के चेहरे को जरूर यहां पर देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री कौन है, और उसी प्रधानमंत्री के बलबूते पर ही देश का विकास हो रहा है। और जिस तरीके से अभी हाल ही में सर्जिकल स्ट्राइक भी हुई, राफेल मुद्दा काफी गरमाया हुआ है, लेकिन क्या वो चुनाव में फैक्टर उस काम आएगा या नहीं आएगा ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन हम जनता का मूड जान रहे हैं कि इस बार जनता चुनाव में किसको, किन मुद्दों को लेकर के वोट देगी और क्या वो इस बार सोच रही है। क्या लगता है कि आप एक तो कितनी उम्र के हैं और क्या लगता है कि इस बार आप जनता का मूड क्या देख रहे हैं आप? ऐसा है, जहां तक मेरी उम्र का ताल्लुक है, मैं 81 इयर्स ओल्ड हूं, ठीक है। और जहां तक जनता के मूड की सवाल है, जो इश्यूज रेज किए गए हैं, जो ऑफरिंग्स पब्लिक को लुभाने के लिए दी गई हैं, वो सिर्फ हम्बक हैं, उनके अंदर कोई जान नहीं है। अब जैसे 72,000 रुपया पर ईयर, 6,000 रुपया पर मंथ देने का उनका वायदा है, तो मेरे को नहीं लगता 3.5 लाख करोड़, अल्टीमेटली 5 करोड़ फैमिलीज को देना
इसका मतलब ये है जो आज के टैक्स पेयर्स हैं उनको इस चीज़ के लिए तैयार होना चाहिए कि वो आगे टैक्स उनका जो पे कर रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा है, और अगर वो 72,000 रुपए के हिसाब से 5 करोड़ फैमिलीज को दें 20% पॉपुलेशन का, तो कुछ समझ नहीं आता कि 3.5 लाख करोड़ हर साल कहाँ से लाएंगे। हालांकि बिल्कुल यहाँ जनता ये भी कह रही है कि काला धन जो वापस लाने की बात की गई थी वो काला धन अभी वापस नहीं आया, इसलिए 15 लाख रुपए उनके खाते में नहीं आए हैं। आप क्या सोचते हैं इस बार कि क्या जहन में सवाल है आपके कि किन मुद्दों को लेकर वोट डालेंगे? मैं तो पहले सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग कई जो अपोजिशन वाले हैं शोर मचा रहे हैं ना नोटबंदी के लिए कि नोटबंदी से नुकसान हुआ, मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मैं कई संस्थाओं से जुड़ा हूँ, जैसे मैं प्रेसिडेंट हूँ ऑल पंजाबी वेलफेयर एसोसिएशन गुड़गांव का, तो मैं देखता हूँ कि बिजनेसमैन कितना खुश है। पहले कच्चे का काम करते थे तो पर्चियाँ संभाल के रखते थे, अब उनका पैसा सेफ हो गया, जहाँ भी उधार जाता है बकायदा वो ई बिलिंग पे जाता है, उसको साइन कराते हैं वो, तो वो एक चीज़ का उनकी जो है ना बिल्कुल सेफ हो गया पैसा। दूसरा जो करप्शन है खास तौर पे गुड़गांव में बिल्कुल ना के बराबर हो गई, करप्शन तो हमारे ब्लड में थी, वो तो धीरे 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 खत्म होएगी। आपको क्या लगता है जी, जब आप चुनाव में वोट डालने जाएंगे तो जहन में किस तरह के सवाल आपके आ रहे हैं कि इस आपकी बार जो है मैं वोट डालूंगा तो इन मुद्दों को लेकर के वोट डालूंगा और ये काम होने चाहिए? इस बार मेन मुद्दा है मजबूत सरकार या मजबूर सरकार। एक तरफ तो बीजेपी वालों के पास एक मजबूत सरकार है, एक लीडर है, दूसरी तरफ गठबंधन वालों के पास 22 नेता हैं, और उन 22 नेता में से कौन पीएम बनना चाहता है ये किसी को भी नहीं पता, और हमारे हिसाब से सारे के सारे 22 के 22 बनना चाहते हैं। अगर आप पिछले 30 सालों का रिकॉर्ड देखें इस बीजेपी सरकार से पहले का, तो कभी भी एक मजबूत सरकार बनी ही नहीं है। पिछले 30 सालों में एक हमेशा माइनॉरिटी सरकार होती थी और वो दूसरों की सपोर्ट से ही चलाते थे, इस वजह से बेसिक डिसीजन अच्छे डिसीजन लिए नहीं जा सकते। और अब अगर फिर से एक बार गठबंधन की सरकार आती है तो वो डेफिनेटली पहले तो पीएम के लिए लड़ेंगे सारे आपस में, और फिर उसके बाद ये नहीं पता कि 2 महीने चलेगी सरकार के 6 महीने चलेगी कि 1 साल चलेगी, और फिर एक दूसरे की धोती खींच के फिर से वापस वही के वही मुद्दे आ जाएंगे, दोबारा से इलेक्शन होंगे और फिर से देश के ऊपर दोबारा से इलेक्शन का बोझ पड़ेगा। देखिए बिल्कुल महागठबंधन एक अहम जो यहाँ पर सवाल बना हुआ है कि तमाम जो क्षेत्रीय दल हैं वो एकजुट होकर के चुनाव लड़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं चुनाव जीतने के बाद वो पीएम की लड़ाई जरूर कहीं ना कहीं लड़ते हुए दिखाई देंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर छात्रों का क्या मूड है, छात्र क्या सोचते हैं कि इस बार वो कैसा कैंडिडेट चाहते हैं और किन मुद्दों को लेकर इस बार वो वोट डालेंगे? आप इस बार किन मुद्दों को लेकर वोट डालेंगे, क्या मुद्दे आपके जहन में आ रहे हैं कि इस बार आप ये मुद्दे होने चाहिए, ये बातें होनी चाहिए कि तब हम वोट डालेंगे? इस बार मैं पहली बार वोट डाल रही हूँ, इसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, पर मैं चाहती हूँ इस बार वो नेता आए जो लड़कियों की सुरक्षा प्रदान करे। आजकल ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने लड़कियों को सिर्फ गर्ल्स कॉलेज में भेजना चाहते हैं, लेकिन अगर सरकार कहती कि मैं लड़कियों की सुरक्षा करूंगा तो क्या पता पेरेंट्स उनकी सुनकर कर सके। इतनी बड़ा एक अहम मुद्दा यहाँ पर साफ तौर से दिख रहा है, आपको क्या लगता है पहली बार आप वोट डालेंगे तो किस तरह के सवाल आपके जहन में है इस समय? पहली बार वोट डालूंगी, हाँ बहुत कंफ्यूजन रहेगी कि किसको डालना चाहिए, कौन बेस्ट है, पर कुछ अभी हमें पता नहीं है कि कौन सही है, बट हम जो प्रेफर करेंगे वो यूथ के लिए, क्योंकि यूथ है, एजुकेशन से रिलेटेड हमें बहुत ज़्यादा, जैसे कई कॉलेजेस में क्लासेस नहीं लगती तो उससे रिलेटेड बहुत होना चाहिए कि क्लासेस लगे, प्रॉपर एजुकेशन मिले, जो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है वो कम हो, और छोटे छोटे जो यहाँ पे बेगर्स हैं, बच्चे हैं जिनको स्टडी नहीं करने को मिल रहा, वो सब हो, बहुत ज़रूरी है वो, ताकि डेवलप हो इंडिया। पर छात्रों का साफ तौर से ये कहना है कि शिक्षा में भी सुधार होना चाहिए और खासकर जो गरीब लोग हैं उन पर भी जो है सरकार को ध्यान देना चाहिए। जनता का मूड जानने के लिए हम पहुंचे हैं गुड़गांव के सेक्टर 14 के गर्ल्स कॉलेज में, जहां पर ये छात्राएं जो है पहली बार वोट डालेंगी और इनके जहन में किस तरह के सवाल जो है आ रहे हैं, और यही जानने के लिए टोटल टीवी की टीम
गुड़गांव के सेक्टर 14 के गर्ल्स कॉलेज में पहुंची है। अब क्या जहन में इस समय सवाल आ रहे हैं, पहली बार वोट करेंगे आप? तो फर्स्ट टाइम वोट करने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैं किसे वोट करूंगी और फिर रिजल्ट क्या आएगा। तो मैं यही सब देखूंगी कि हमें वुमेंस को कितनी सिक्योरिटी मिल रही है। अभी जैसे लास्ट ईयर डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था, डिमॉन्स्ट्रेशन, उसमें लाइक कितने ब्लैक मनी इकट्ठा हुआ। तो मतलब इंडिया की इकोनॉमी पे भी बहुत फर्क पड़ा है, रिजर्वेशन पे या फिर इन्फ्लेशन पे कितना इंक्रीज है, डिक्रीज है। तो यही सब देख के मैं अपना फर्स्ट वोट देना चाहूंगी। तो क्या लगता है कि आपके लिए, छात्रों के लिए जो अहम मुद्दा, एक सुरक्षा की भी बात करें या छात्रों की पढ़ाई के लिए भी बात करें, वो इस समय कितना आपके लिए जरूरी है? और क्या लगता है कि आपको और क्या चाहिए जो होना चाहिए? एज अ स्टूडेंट हम रिजर्वेशन का ही मेन मानते हैं कि हम लोग इतना पढ़ के भी बहुत अच्छे कॉलेज में नहीं जा सकते जस्ट बिकॉज वी लाई इन जनरल कैटेगरी। तो रिजर्वेशन आई थिंक हटा देना चाहिए या फिर थोड़ा सा परसेंटेज कम कर देना चाहिए। तो बस यही देखूंगा। आप बताइए कि पहली बार वोट करेंगे, परिवार पहले वोट करता था, परिवार के लोग वोट करते थे जब बातचीत होती थी कि हम किसको वोट करके आए, लेकिन इस बार आप अपना वोट डालेंगे, गुप्त डालेंगे, परिवार से पूछकर डालेंगे, या क्या जहन में आपके सवाल आ रहे हैं कि ये जरूरी होना चाहिए तब मुझे वोट डालना चाहिए? अपना इंडिविजुअली ही कंसीडर करेंगे कि क्या वोट होना चाहिए। ऐसे कोई फैमिली प्रेशर नहीं है कि कोई किसी को जानता है तो उसी को वोट करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कि अपना इंडिविजुअल है, डिस्कशन ऑब्वियसली होता है फैमिली में, तो वो अपना इंडिविजुअल हर कोई पॉइंट ऑफ व्यू रखता है। मेन चीज़ यही देखी जाएगी कि क्या कहते हैं, गर्ल्स की कितनी सिक्योरिटी आगे बढ़ेगी अगर हम किसी को वोट डाल रहे हैं, तो वो कितना काम करेगा गर्ल्स के लिए। लास्ट 5 ईयर्स में हुआ है लेकिन इतना नहीं हो पाया है। अभी भी कई एरियाज हैं जहाँ पे गर्ल्स पूरी तरह सिक्योर नहीं है, तो मेन सबसे बड़ा वही है। उसके बाद रिजर्वेशन का है कि रिजर्वेशन हटा दी जाए, क्योंकि ये मेन स्टूडेंट्स के लिए यही होता है कि उनको अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिले। फिर एम्प्लॉयमेंट भी है कि एम्प्लॉयमेंट कितना प्रोवाइड किया जाएगा। देखिए बिल्कुल, छात्रों का एक अहम मुद्दा यहाँ पर जरूर सरकार को वो बताना चाहते हैं कि रिजर्वेशन में आप लोग जो करते हैं वो उससे काफ़ी नुकसान होता है, क्योंकि जनरल कैटेगरी के जो बच्चे होते हैं वो 95 अबोव लाते हैं, तब भी उन्हें जो है अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता है, जिसको लेकर के ये एक अहम मुद्दा है। आपको क्या लगता है कि पहली बार आप चुनाव डालेंगे, जहन में क्या सवाल आपके हैं जो आप सरकार से? बहुत एक्साइटेड हूँ अपने फर्स्ट वोट के लिए। मेरा यही है कि गर्ल्स की सिक्योरिटी मेन है, डेवलपमेंट होना चाहिए, और ये रिजर्वेशन तो मेन मुद्दा है कि वो हट जानी चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट में तो इक्वलिटी होनी चाहिए, क्योंकि हम एक ही जगह बैठ के सारे एक साथ पढ़ते हैं। तो इतना नहीं होना चाहिए कि उनको रिजर्वेशन दे के और हमें ना मिले। तो इसलिए रिजर्वेशन मेन मुद्दा है हमारा। रिजर्वेशन मेन मुद्दा है। आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं, पहली बार वोट डालेंगे आप? और पहले परिवार के साथ आप देखते थे कि परिवार वोट डालता था, आपके माता पिता या भाई, लेकिन अब आप पहली बार वोट डालेंगे, क्या लगता है कि जहन में किस तरह के सवाल आपके आ रहे हैं और कितना एक्साइटेड हैं आप इस बार पहली बार वोट डालने के लिए? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, लेकिन ये सही है कि रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो लोअर मतलब उनकी परसेंटेज बहुत लो होती है, फिर भी उनको एडमिशन मिल जाता है, हमको नहीं मिल पाता, फिर प्राइवेट कॉलेज में जाना पड़ता है उसके थ्रू। ये मेन प्रॉब्लम है, और सिक्योरिटी और ये सब नहीं हो। कुछ यहाँ पर छात्र जो हैं ऐसे भी हैं जिनको अभी ये नहीं पता है कि कौन सा कैंडिडेट जो है चुनाव प्रचार में उनके सामने है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस का जरूर पता है, दो पार्टियां हैं, उनके कैंडिडेट चुनाव मैदान में होते हैं। लेकिन एक मांग यहां पर छात्रों की तरफ से यही सरकार तक या जो भी कैंडिडेट इस चुनाव प्रचार में उतरेगा उसको जहन में ये सवाल जो है जरूर बताना चाहते हैं कि इस बार रिजर्वेशन में जरूर कुछ ना कुछ इनको रिलीफ मिलना चाहिए। जिस तरीके से रिजर्वेशन में जो लोग जनरल कैटेगरी से आते हैं उनको 95 अबोव लाने के बाद भी उन्हें अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से वो इस बात को जो है वो फील करते हैं। लेकिन इस बार सरकार को या जो भी कैंडिडेट चुनाव मैदान में उतरे तो वो इन छात्रों के सवाल को जरूर अपने जहन में रखें। का मूड जानने के लिए हम पहुंचे हैं गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र की सोहना विधानसभा में, जहां पर हम जानेंगे कि इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर जनता के मन में किस तरह के सवाल हैं और इस बार क्या जनता यहां पर सोच रही है। क्या कहेंगे इस बार आप लोकसभा चुनाव को लेकर, क्या मन में आपके सवाल हैं? हमारे मन में ये है कि चौकीदार तो अमीर आदमी का चौकीदार होता है, और वो चौकीदार जो है किसान को 6,000 रुपये साल के लिए घोषणा की है चौकीदार ने। हम ऐसे चौकीदार को वोट देंगे जो किसान को 6,000 रुपये महीने दे
और किसान का, गरीब का, बीपीएल वाले का गुजारा हो सके, क्योंकि आज स्कूलों की फीस और काम ज्यादा है और फसल पर आदमी निर्भर और मजदूरी इतनी है नहीं। तो इसलिए हम तो ऐसे चौकीदार को वोट देंगे जो गरीबों को 6000 रुपए महीने देगा। कुल इस बार आपको क्या लगता है कि सरकार को वोट देंगे या प्रत्याशी को, किस ऊपर वाले नेता को के चेहरे को देखकर वोट देंगे आप, या मौजूदा जो आपका गुड़गांव लोकसभा का प्रत्याशी होगा वो आपका चेहरा होगा? हमारे गुड़गांव में तो जो लोकल चेहरा होगा और जो यहाँ से खड़ा होगा उसको देख के वोट देंगे, न कि मोदी को देख के। मोदी के सारे वादे झूठे होते हैं, उसने आज तक कोई वादा पूरा नहीं किया। 15 लाख हर खाते में आएंगे, हर आदमी को नौकरी दूंगा, 1 करोड़ आदमी को नौकरी दूंगा हर साल, उसने 10 आदमियों को भी नौकरी नहीं। ऐसी सरकार को लाने का क्या फायदा है, पता नहीं लोग कैसे उसके झूठे बहकावे में आ रहे हैं। देखिए बिल्कुल, कहीं ना कहीं सोना की जनता खासी नाराज यहाँ पर दिखाई दे रही है इस सरकार से। आपसे जानते हैं, आपको क्या लगता है कि आपके मन में क्या है इस बार चुनाव को लेकर? देखिए, हम जमींदार परिवार से संबंध रखते हैं और जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने एक योजना बनाई, 72,000 रुपये साल की जो बात करी, 6,000 रुपये महीना मिलेगा, इसमें कुछ दम दिखाई देता है। क्यों कि जमींदार और गरीब को क्या चाहिए? अगर 6,000 रुपये मिलते हैं महीने के महीने तो बहुत सहारा लगेगा। इन लोगों ने क्या किया क्या नहीं किया जनता के सामने है। इस मोदी सरकार ने सिवाय नारेबाजी के, जुमला के, कुछ नहीं किया। कहीं ना कहीं सोना की जनता जो मौजूदा प्रत्याशी है उससे भी खासा नाराज यहाँ पर दिखाई दे रही है, और जो मुद्दे हैं, जो शिक्षा स्वास्थ्य हो या तमाम जो और अन्य सुविधाएं हो, उनसे भी सोना की जनता को वंचित रखा गया है, जैसा कि यहाँ के लोगों का कहना है। गुड़गांव लोकसभा के मतदाताओं की राय मिलीजुली दिखाई दी है, हालांकि उन्होंने मोदी सरकार पर तो सवाल खड़े नहीं किए हैं, लेकिन गुड़गांव के जो मौजूदा सांसद हैं उन पर जरूर सवाल खड़े किए हैं। ऐसे में यह तो 12 मई को ही साफ हो पाएगा कि इस बार गुड़गांव लोकसभा के मतदाता किसको अपना सांसद चुनते हैं। टोटल टीवी के मूड ऑफ इंडिया कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए टोटल टीवी।